तो फाइनली दोस्तों वीवो की V21 सीरीज अप्रैल के महीने में इंडिया में लॉन्च हो सकती है। और आए दिन दोस्तों इन स्मार्टफोन के वीवो के V21 सीरीज के तीनों स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी सारे लीक्स और रूमर्स निकल कर आते रहते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वीवो V21 सीरीज में आपको तीन स्मार्टफोन देखने को मिलने वाले हैं, V21, V21 SE और V21 Pro। तो यहाँ पर दोस्तों V21 SE के बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और उसके कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो V21 के कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में। और ये दोस्तों कन्फर्म स्पेसिफिकेशन ही है और यहाँ पर मैं आपको आगे प्रूफ भी बताने वाला हूँ, तो कोई फेक वीडियो यहाँ पर दोस्तों नहीं बना रहा हूँ। तो वीडियो को गाइस एंड तक जरूर देखना और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो चलिए यहाँ पर सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चाइना में जो वीवो की S सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं वही दोस्तों इंडिया में वीवो की V सीरीज में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि वीवो V20 सीरीज जो आपको पिछले साल देखने को मिली थी वो दोस्तों चाइना में जो S सीरीज लॉन्च वीवो की S सीरीज लॉन्च हुई थी वही दोस्तों रीब्रांड होकर इंडिया में वीवो की V सीरीज में देखने को मिली थी। तो इस बार भी दोस्तों सेम ऐसा ही होने वाला है। वीवो की जो S सीरीज में S9 और S9e दो स्मार्टफोन देखने को मिले हैं चाइना में, वही इंडिया में दोस्तों वीवो की V सीरीज में हमें देखने को मिलने वाला है। तो यहां पर जो Vivo V21 स्मार्टफोन होने वाला है वो दोस्तों चाइना में कुछ दिन पहले Vivo S9e के नाम से लॉन्च हुआ है, तो वही स्मार्टफोन दोस्तों रीब्रांड होकर यहां पर इंडिया में Vivo V21 के नाम से आने वाला है। और ऐसे दोस्तों काफी स्ट्रॉन्ग लीक्स भी निकल कर आ चुके हैं। तो यहाँ पर चाइना में ऑलरेडी ये स्मार्टफोन गाइज लॉन्च हो चुका है, तो अब इंडिया में दोस्तों वीवो V21 के नाम से आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर इसके कन्फर्म स्पेसिफिकेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों लुक एंड डिज़ाइन की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम लुक और डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, खास करके बैक साइड में। जो वीवो वी ट्वेंटी सीरीज में आपको देखने को मिला था बैक साइड में, सेम ऐसा ही डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस बार थोड़ा सा चेंजेस आपको बैक साइड में देखने को मिल सकता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसके अलावा 7.3 mm का थिकनेस है और 168 grams का वेट है, तो काफ़ी स्लिम एंड लाइट वेट स्मार्टफोन है दोस्तों वीवो V21। तो ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन दोस्तों काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर डिस्प्ले की बात करें तो 6.44 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलने वाला है और साथ में दोस्तों आपको 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। तो पिछली बार जो वीवो V20 था उसमें कोई भी आपको फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिला था, नॉर्मल 60Hz का ही स्क्रीन देखने को मिलता था, लेकिन यहाँ पर इस बार आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों MediaTek Dimensity 820 वाला 5G प्रोसेसर आपको इस मोबाइल में देखने को मिलने वाला है, जो कि 7nm पर बेस्ड है, तो काफ़ी पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है दोस्तों और एक 5G प्रोसेसर है। तो इस बार दोस्तों वीवो की V20 सीरीज में तीनों ही स्मार्टफोन आपको 5G देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा गाइस यहां पर बात करें कैमराज की, जो कि किसी भी वीवो के स्मार्टफोन की खास मेन हाइलाइटेड फीचर्स होता है, तो यहां पर इस बार आपको दोस्तों बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, जहां पर 64 MP का मेन सेंसर है, इसके अलावा 8 MP का अल्ट्रा वाइड है और 2 MP का मैक्रो है। इसके अलावा 32 MP का सेल्फी कैमरा आपको फ्रंट साइड में देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में दोस्तों यहाँ पर वीवो के स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत आपको देखने को कभी भी नहीं मिलती है। इसके अलावा 4100 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलती है और 33W का फ्लैश चार्जर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के बारे में, लेकिन अब बात करते हैं इस मोबाइल के प्राइस के बारे में। तो यहाँ पर इस स्मार्टफोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं, 8GB 120, 8GB और 8GB 250, 6GB। तो यहाँ पर जो दोस्तों 8GB 120, 8GB वाला वेरिएंट है उसका चाइनीज प्राइस दोस्तों 2400 yuan, अगर इसे हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 26,500 के अराउंड इसका प्राइस देखने को मिलता है। तो अगर ये वेरियंट दोस्तों 25,000 से 26,000 के बीच में हमें देखने को मिलता है तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। और इसके अलावा 8GB 250, 6GB वाले वेरिएंट की बात करें तो उसका चाइनीज़ प्राइस 2700 yuan है, इसे अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 30,000 के अराउंड इसका प्राइस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो इसका बेस वेरिएंट है वो गए शायद हमें 25,000 से 26,000 तक देखने को मिल सकता है। और आखिर में दोस्तों यहाँ पर बात करें इस मोबाइल के लॉन्च डेट के बारे में, तो अप्रैल के महीने में दोस्तों ये वीवो की V21 सीरीज इंडिया में आने वाली है। तो सबसे पहले ही दोस्तों ये वीवो V21 स्मार्टफोन लॉन्च होगा, उसके बाद वीवो V21 प्रो होगा और उसके बाद वीवो V20
V21 SE होगा। तो सबसे पहले यही स्मार्टफोन दोस्तों अप्रैल के महीने में आपको देखने को मिलने वाला है। तो आई होप कि गाइस ये स्पेसिफिकेशन आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्पेसिफिकेशन कैसा लगे है, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और आगे भी ऐसे और वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।